क्या है गुड़ी पड़वा, क्यों मनाते हैं गुड़ी पड़वा। मान्यता है कि इस दिन शालीवाहन नामक कुम्हार के पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों का निर्माण कर उनमें सिद्ध मंत्रों द्वारा प्राण फूंक दिए थे। इसके बाद इस सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए विजय हासिल की। इसी विजय के प्रतीक के रूप में शालीवाहन शक की शुरुआत मानी गई। ये पर्व आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य में उगादि और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। कई लोगों की मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। बाली के दास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर जाकर उत्सव मनाकर ध्वज जो गुड़ी कहलाता है उसको फहराया। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसीलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा नाम दिया गया। इसे हिंदू नववर्ष क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से नया संवत्सर भी शुरू होता है। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं फलते फूलते हैं, नए फल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, इसलिए इसे नववर्ष आरंभ भी कहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए इस दिन का क्या महत्व है, तो इस दिन आंध्र प्रदेश में पचड़ी और महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि खाली पेट अगर पचड़ी का सेवन किया जाए तो उससे चर्म रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य लाभ होता है। और वहीं पूरन पोली एक्चुअली उसमें गुड़, नीम के फूल, इमली, आम का उपयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी दिन लोग सुबह में नीम की पत्तियां और मिश्री भी खाते हैं। इससे माना जाता है कि रक्त शुद्ध होता है। कहां कहां कैसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा? आंध्र और तेलंगाना में इस दिन को उगादि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसी दिन को सजीबू नोगमा पानबा या मैतेई चेहरा ओबा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र का आरंभ होता है। कर्नाटक में पर युगादि के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। गोवा और केरल में कुकड़ी समुदाय इसे संवत्सर पड़वो नाम से मनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा, नववर्ष, युगादि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।